A very good morning to all my students of class 5. Welcome back to your social studies class, children. And children, as you all know that very soon we all are going to start with our unit test 2. So from today onwards, we are going to start with our revision classes of UT syllabus. आज से मैं आपको आपके UT syllabus का revision कराऊंगी. तो today we are going to do the revision of chapter 8, the daring deserts. आज हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 8 का जो है द डेयरिंग डेजर्ट बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम इन योर यूनिट टेस्ट 2. सो चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का. पहला क्वेश्चन है नेम द थ्री बिगेस्ट हॉट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वर्ल्ड के तीन सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट्स कौन से हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और जो डेजर्ट्स बहुत गर्म होते हैं. सो आंसर इज़ द थ्री बिगेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, कलाहारी डेजर्ट इन सदर्न अफ्रीका एंड थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो कौन से तीन हॉट डेजर्ट निकले, बिगेस्ट हॉट डेजर्ट कौन से हुए यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में. सबसे पहला हुआ हमारा सहारा डेजर्ट जो कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में. उसके बाद सेकंड नंबर पे है कालाहारी डेजर्ट जो कहाँ पे है, सदर्न अफ्रीका में. और फिर आता है थर्ड नंबर पे थार डेजर्ट जो कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान में. उसके बाद आता है नेम द थ्री कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. अब हमें इसमें जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के उनके बारे में भी बताना है. सो द थ्री कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर गोबी डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया. गोबी डेजर्ट सबसे पहला कोल्ड डेजर्ट है जो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न चाइना में लोकेटेड है और सदर्न मंगोलिया में लोकेटेड है. उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट. अब ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड नामीब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका. और नामीब डेजर्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है. उसके बाद आता है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द डेजर्ट्स. अब हमें डेजर्ट्स की लोकेशन के बारे में बताना है. डेजर्ट्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन 15 डिग्री टू 13 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. दैट इज दे आर लोकेटेड मोस्टली नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो डेजर्ट्स कितना एरिया कवर करते हैं, डेजर्ट्स नॉर्थ साउथ में इक्वल एरिया कवर करते हैं. कैसे, अगर वो नॉर्थ में 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ है तो साउथ में भी 15 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ होगा. और डेजर्ट सबसे ज़्यादा किन दो जगहों के पास लोकेटेड होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास. उसके बाद आ जाता है हाउ विल यू क्लासिफाई द डेजर्ट. अब आप डेजर्ट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, कितनी कैटेगरीज में डेजर्ट होते हैं. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डेजर्ट का क्लासिफिकेशन टू कैटेगरीज में होता है. पहली होती है हॉट डेजर्ट, दूसरी होती है कोल्ड डेजर्ट. टू कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन हो गया ना, तो उसी को हम क्वेश्चन आंसर में फ्रेम कर देंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे डेजर्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट्स, सेकंड इज कोल्ड डेजर्ट्स. उसके बाद आता है डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट. अब हमें डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताना है. द टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट इज एक्सट्रीम. तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, डे और नाइट में एक्सट्रीम है. मतलब एक्सट्रीम से इन द सेंस डे में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और नाइट में ठंड ज़्यादा है. इन द डे टेम्परेचर कुड बी एज हाई एज 50 डिग्री वेयर एज ड्यूरिंग द नाइट इट कुड फॉल टू एज लो एज 10 डिग्री. द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज ह्यूमिडिटी. और इस टेम्परेचर का रीज़न क्या है, ह्यूमिडिटी यानी उमस. नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन द डेजर्ट. अब डेजर्ट में प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं. द डेजर्ट प्लांट्स मोस्टली हैव लॉन्ग रूट्स दैट अलाउड देम टू ट्रैप मॉइस्चर फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ. अब डेजर्ट प्लांट्स में जो लॉन्ग रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो जितना भी मॉइस्चर होता है वो अपनी रूट्स में ट्रैप कर लेती हैं, या हम कह सकते हैं उनको पकड़ के रख लेती हैं.
दे स्टोर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और उससे क्या होता है वो पानी को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं. दीज प्लांट्स हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स अराउंड ऑल टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे. द प्लांट्स हैव थिक स्टेम विद वैक्स लाइक कोटिंग विच ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस बाय इवेपोरेशन. अब इन प्लांट्स में एक थिक स्टेम होती है जो एक वैक्स के जैसी एक कोटिंग होती है जिससे वो क्या करती है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है. अब इसके बाद आते हैं वर्ड मीनिंग्स चैप्टर 8 के. तो हमने 6 वर्ड मीनिंग्स किए थे. पहला है एरिड. एरिड मीन्स बैरन डेजर्ट. दूसरा है ब्रॉडली. ब्रॉडली का क्या मतलब है, एक्सपेंसिव एंड ग्रेट. तीसरा है क्लाइमेटिक. क्लाइमेटिक का मतलब फीलिंग मूड. चौथा है डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब डिजर्व्ड रिवॉर्ड और पनिशमेंट. पाँचवा है शॉर्टेज. शॉर्टेज का मतलब एब्सेंस और पॉवर्टी. सिक्स है सिनोनिमस. सिनोनिमस का मतलब हैविंग सेम मीनिंग. इसके बाद आता है हॉट डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट, टेबल 8.1. अब मैंने आपको बच्चों चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम भी बोला था कि आपको ये दोनों टेबल्स अपनी अपनी कॉपी में बनानी है, और साथ ही साथ आपको ये टेबल्स याद भी करनी है क्योंकि मैं इसको यूटी में आपके एग्ज़ाम्स में भी मिसिंग टेबल्स की तरह दूंगी करने के लिए. ओके, तो चलिए आज मैं आपको इसका एक बार फिर से एक छोटा सा डिस्कशन देती हूँ. पहले जो हमारी टेबल है, टेबल 8.1, वो है हॉट डेजर्ट की. अब इसमें हॉट डेजर्ट्स के नेम हैं और वो डेजर्ट्स कहाँ लोकेटेड है, उनकी लोकेशन है. पहला है सहारा डेजर्ट. अभी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा सहारा डेजर्ट की लोकेशन है नॉर्थ अफ्रीका. अरेबियन डेजर्ट अरेबियन पेनिनसुला. ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया. सीरियन डेजर्ट सीरिया जॉर्डन एंड इराक. कालाहारी डेजर्ट सदर्न अफ्रीका. थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट में आती है टेबल 8.2. नेम लोकेशन गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया. पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना एंड चाइल. ईरानियन डेजर्ट ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स. तकलामकान डेजर्ट चाइना. अटागामा डेजर्ट साउथ अमेरिका. नमीब डेजर्ट साउथ अफ्रीका. नाउ लेट्स कम अप टू स्पॉट चेक एंड स्पॉट चेक वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स. डेजर्ट आर लोकेटेड मोस्टली नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ज़्यादातर डेजर्ट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न में. तो इसमें आप कोई एक लिख सकते हो. मैंने यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखवाया है. नेक्स्ट इज डैश इज़ अ हॉट डेजर्ट. कौन सा डेजर्ट सबसे ज़्यादा हॉट है, सहारा डेजर्ट. डैश एंड डैश आर पोलर डेजर्ट. कौन से दो डेजर्ट हैं जो पोलर डेजर्ट में आते हैं, वो हैं अंटार्कटिका एंड आर्कटिक. उसके बाद आता है कैक्टस अकाशिया बायोबा आर सम प्लांट्स फाउंड इन दी डेजर्ट. ये दो वो डेजर्ट हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ये दो वो प्लांट्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं. पहला है सेंटी. सेंटी मीन्स वेरी लेस. और दूसरा है एरिड. एरिड मीन्स टू ड्राई एंड बैरन. उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग. अब बच्चों जब आप यूटी में मैच द फॉलोइंग करोगे तो कोई भी ऐसे क्रिस क्रॉस लाइंस में मैच द फॉलोइंग नहीं करेगा, वरना मैं पूरा क्वेश्चन काट दूंगी और आपको मार्क्स नहीं दूंगी. आपको क्वेश्चन के ठीक सामने आंसर लिखना है मैच द फॉलोइंग में. पहला जो हमारा मैच द फॉलोइंग है वो है सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट की लोकेशन क्या है, नॉर्थ अफ्रीका. दूसरा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, उसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया. तीसरा है कालाहारी डेजर्ट. कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन है साउथ अफ्रीका. चौथा है गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट की कहाँ लोकेशन है, चाइना में. और फिफ्थ है अटाकामा डेजर्ट जिसकी लोकेशन है साउथ अमेरिका. अब आ जाइए गिव वन वर्ड्स पे. Which is the largest hot desert in the world? Sahara Desert. Which hot desert lies in India? Thar Desert. Name one desert plant. Cactus. Which tribe lives in the desert of North Africa? Bedouins. Name a cold desert. Gobi Desert. So children,
आज मैंने आपको यूटी सिलेबस के चैप्टर 8 का रिवीजन कराया है, नेक्स्ट क्लास में हम यूटी सिलेबस के अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है, याद करनी है, प्रैक्टिस के तौर पे आप इनको अपनी रफ नोटबुक पे लिख भी सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे चिल्ड्रन एंड हैव अ वंडरफुल डे।